आप बोले मी टू के समर्थन में आज आपने एक ट्वीट किया है और इससे राजनीति गरमा गई है, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, मी टू का कोई मैं विरोध नहीं करता। सवाल इस बात का है कि समाज को मैं जब देखता हूँ, हनी ट्रैप के कितने केसेस आ रहे हैं जहाँ महिलाएं पैसे के लिए आदमी के करेक्टर को असासिनेट करती है, और 376 के तमाम ऐसे झूठे आरोप लगा के पैसा लेके छोड़ते हैं। लिविंग रिलेशन के हजारों केसेस आ रहे हैं, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 10 साल हैप्पीली रह रहे हैं, उसके बाद में कह दिया रेप है। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि ये उस तरह की महिला नहीं है कि जो डरी हैं, हमेशा डरी रहेंगी, या अपने आजाद न हों, या अपने ख्याल उनके न हों, या उनकी स्वतंत्रता न हो, उनकी अभिव्यक्ति न हो, या वो व्यापार नहीं कर रही हों, और या को घर से नहीं निकल रहे। मैं माना कि कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं, घरेलू हैं, गांव की हैं, दबी हैं, कुचली हैं, पुरुष समाज का दबाव है, आर्थिक रूप से निर्भर हैं, तो डर सकती हैं। लेकिन ऐसी महिलाएं जो आजाद ख्याल की हैं, फैसला ले सकती हैं, ऐसी महिलाएं 10 साल के बाद उन्हें याद आता, सपोजिंग कल वो झूठ मामला हो जाता है तो नाना पाटेकर तो बर्बाद हो गए। सर, एमजे अकबर का भी उनका भी नाम आया पर के बारे में कहूंगा कि एक समय सीमा होना चाहिए। कास्टिंग काउच होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता, मैं कहता एक समय सीमा तो बांधो भाई, 2 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, कुछ तो समय होना। तो भारतीय समाज इस तरह का है, भारतीय समाज के परिपेक्ष में मैं बोल रहा हूँ, दूसरा देश नहीं है। तो क्या इससे आपको लगता है एमजे अकबर की छवि को नुकसान? बिल्कुल। कल मान लो झूठा मामला हो गया, एमजे अकबर तो बर्बाद हो गए।